हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणवी ट्रैवलर में। दोस्तों, ये हमारा तीसरा व्लॉग है और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की एक ऐतिहासिक जगह पे लेके जा रहे हैं, तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। तो दोस्तों, हम पांवटा साहिब गुरुद्वारे में पहुँच चुके हैं। अभी हम मेन गेट के सामने खड़े हैं। अब हम अंदर की तरफ एंट्री कर चुके हैं गुरुद्वारा साहिब में, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग भी माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। संडे का दिन होने के कारण यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है। वैसे तो यहाँ पे हर दिन काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन संडे होने की वजह से यहाँ पे आज काफ़ी भीड़ लगी हुई है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो मेन दरबार था वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चला हुआ था, तो पीछे एक दरबार दूसरा बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको इस गुरुद्वारा साहिब की कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। इस शहर को जो है सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित किया गया था। इस जगह का नाम पहले पाउंटिका था। कहा जाता है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी अश्वारोहण करके जा रहे थे, वो इसी जगह पहुंचकर रुक गए थे, इसलिए इसको पाँव और टिक्के को मिलाकर पाउंटा नाम दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह पर गुरुद्वारा स्थापित किया और यहाँ पर 4.5 साल गुजारे और धर्म ग्रंथों की रचना की। स्थानीय संग्रहालयों में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रयोग किए गए बहुत से सामान भक्तों के दर्शन के लिए रखे गए हैं। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद हम साइड में बने एक हाल की तरफ आ गए, और यहाँ से ये थोड़ा हाइट पे होने की वजह से यहाँ से यमुना नदी का दृश्य बहुत ही साफ दिखाई देता है। चलिए तो हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं। यहाँ से दोस्तों अब हम आपको जो गुरुद्वारा साहिब के बैक साइड में यमुना जी चल रही हैं उनके दृश्य दर्शन कराते हैं। ये आप देख सकते हैं यमुना जी में काफी मात्रा में पानी आया हुआ है यहाँ पे, और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये उत्तराखंड में पड़ते हैं, उत्तराखंड में है। और ये जो आपने अभी ब्रिज देखा था ये हरियाणा सॉरी हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ता है। इस पुल के एक साइड में पाउंटा वाली साइड में हिमाचल पड़ता है और दूसरी साइड में उत्तराखंड लगता है यहाँ पे। नरगुणी गहीर ते नरगुणी गहीर ते नरगुणी गहीर ते नरगुणी गहीर। जिनके हृदय तू बस है जिनके हृदय तू बस है तू बस है ते नरगुणी गहीर ते नरगुणी गहीर ते नरगुणी गहीर गुणी बहीर।
गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद हम बाहर की तरफ आ गए। ये मार्केट है, सुबह हम जल्दी ही गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए थे, तो काफी दुकानें अभी बंद थी। जो कुछ दुकानें अभी खुली थी तो वो अपना सामान वगैरह भी बाहर की तरफ लगा रहे थे। अब हम दोस्तों चल रहे हैं जो बैक साइड में यमुना जी चल रही हैं, अभी हम आपको यमुना जी के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। Thank you.